नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग होगी 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो, वो भी जितना रेजोनेट करे। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स। सेजिटेरियस एस ऑफ पैंटकल्स, ये सब पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हाई प्रेस्टीज जजमेंट एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन एक तो फिनेंशियल अवंडन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ रिश्ते में जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था उसे खत्म करके रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत सारा बोझ अपने दिल पे सर पे लेके घूम रहे हैं। ये तो फिनेंशियल इनकी जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं है। दूसरा ये अपने आप को ग्रूमिंग करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए इनको जो करना है ये खुद ही इनको करना पड़ेगा। ये अपने आप को थोड़ा सा सिक्रेटिव तरीके से आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन डे बाय डे ये आपकी मौजूदगी को भी बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहा है और परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से इनको आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहिए। ये इंतजार कर रहा है कि अगर आपके तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाए, आप इनसे बात कर लो, आप इनसे रिकॉन्सिलेशन के बारे में बातें कर लो, इसकी कोशिश ये कर रहा है। इसकी कोशिश ये कर रहा है। इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, रिश्तों की, पैसों की, जॉब की, बिजनेस की, तो ये सारी जिम्मेदारी ये अकेला उठा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है अपने आप को स्टेबल बना के रखना, स्थिर बना के रखना। जो चीजें घट रही है इनके लाइफ में उसको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ में आपके साथ डेफिनेटली नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो वो इंतजार कर रहा है कि आपके साथ इनका रिकॉन्सिलेशन हो जाए। इन दिनों ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सिक्रेटिव तरीके से चीजों को समझने लगे हैं। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस आप खुद क्या चाहते हो, मतलब आपकी खुद की करेंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस लवर्स,
लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। लवर्स को कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द चैरियट, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप भी तो रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो ना सजिटेरियस, जैसे कि आपके पर्सन चाहते हैं, आप भी चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते को एक मौका दिया जाए, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाए, रिश्ते को दोबारा से शुरू किया जाए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम अगर उनको है तो मुझे लगता है आप उनको मदद करना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर मैं इनको मदद कर देता हूँ या देती हूँ तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए अपनी लव लाइफ को लेके, चाहे आप शादीशुदा हो इनके साथ या ऐसे रिश्ते में हो जो शादी के बराबर है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है। इनके परिणाम के बारे में पहले आप नहीं सोचते थे, लेकिन इन दिनों आप सोचने लगे हो। आपको लगता है कि अगर आप इनको फिनेंशियली मदद कर देते हो तो इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आप चाहते हो रिश्ते को मौका दिया जाए, जो हो गया उसे भूल के आगे बढ़ा जाए। ये आप या तो आपके पर्सन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, दोनों एक जैसे सोच रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि आप अपने तरीके अजमाना चाहते हो और ये अपने तरीके, दोनों के दोनों, आप दोनों जो हो, दोनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव और सेल्फ रेस्पेक्ट वाले पर्सन हो। आप अपने तरीके से अपना इज्जत करते हो, ये अपने तरीके से अपना इज्जत करते हैं, ये अपने स्टेबिलिटी को ये अपने तरीके से पाना चाहते हैं, और आप तो हो ही स्टेबल दिखाई दे रहा है और आप चाहते हो इनका मदद करो और किसी को पता भी ना चले। लेकिन ये बंदा उतना भी, बंदा या बंदी उतनी भी ऐसे नहीं है कि आपका मदद ले लेगा और आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। इनको सब कुछ पता है, सामने वाला क्या सोचता है, क्या करता है, क्या बोलना चाहते हैं, कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है, दिमाग से सोचता है हमेशा। जब तक कोई काम नहीं हो जाता ये किसी से उस बारे में बात भी नहीं करता, तो ऐसे बंदे आपको लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप चाहते हो किसी की मदद लेके आप इस काम को करना चाहते हो, उनको हेल्प करना चाहते हो, फिनेंशियली मदद करना चाहते हो, क्योंकि इनको फिनेंशियल अबंडन चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, पैसे इनको चाहिए, पैसों की प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इनकी मदद करो और ये ले ले, ऐसा नहीं है। और आप अपने तरीके से रिश्ते को चलाना चाहते हो, आप मौका तो देना चाहते हो लेकिन अपने हिसाब से। आप चाहते हो जो चीज काम नहीं कर रहा है उसे दूर रखें, जो काम की चीजें हैं उसे लाइफ में रखा जाए। कभी कभी ऐसा आप सोच लेते हो कि जैसा आप सोच रहे हो अगर रिश्ता उसी तरीके से चला जाए तो क्या कहने। आप भी रिश्ते में मौका ढूंढ रहे हो, मौका देना चाहते हो रिश्ते को, मौका पाना भी चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लाइफ को एक अलग तरीके से आप देखना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है भाई, मौका तो देंगे, फाइनेंशियली मदद करना होगा तो कर देंगे, नई शुरुआत हो जाए, बस रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए। एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, उस वजह से आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, और भूलना भी नहीं है आपको, आपको रिश्ता रखना है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा।
इसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे सजिटेरियस। मैंने पहले ही आपसे कहा कि बंदा या बंदी जो भी है अपनी जगह। या तो आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो सजिटेरियस, आपके अलग से शादी है या फिर इनके अलग से शादी है, कोई एक तो है जिनके पास दो रिश्ता है, शादी भी है प्यार के रिश्ते भी है, जो भी है ये रिकॉन्सिलेशन आपसे चाहते हैं, अपने शादी को भी बचाना चाहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि ये खुद अपने घर के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये खुद अपने घर के ब्रेड अर्नर है, ये मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत से अपनी अपने जो सारे परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं, कुछ परिवार की परेशानी, कुछ रिश्तों की परेशानी। ऐसा नहीं है कि इनके पास हमेशा पैसों की प्रॉब्लम रहता है, नहीं, इन दिनों उनको पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये झुकेंगे नहीं किसी के सामने कि मुझे मदद कर दो, और आप चाहते हो इनका मदद करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपसे पैसे लेंगे। स्लोली बट श्योरली ये अपनी स्टेबिलिटी तक जाएंगे, इनको दोनों रिश्ते संभालने हैं, ये आपके साथ रिश्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ रिश्ता छोड़ देंगे, परिवार के बारे में ही सोचेंगे अगर ये है या आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो ये आपको भी आपके साथ भी रिश्ता रखेंगे और अपने परिवार के साथ भी, लेकिन ये जीतोर मेहनत करना चाहेंगे इन दिनों और अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करके ही रहेंगे। स्लोली बट श्योरली ये अपनी स्टेबिलिटी को पाना चाहेंगे, इनको पता है रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आपके साथ रिश्ता रखना हो चाहे परिवार को संभालना हो, क्योंकि इनको दोनों चीजें चाहिए, पैसे, परिवार और आप। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो सजिटेरियस, तो ये आपको भी चाहते हैं, जो शादीशुदा है उनको तो चाहिए ही चाहिए, पैसे भी चाहिए। आप कितना भी खुद को स्टेबल दिखाई दे रहे हो, मुझे भी दिखाई दे रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है स्टेबल है, लेकिन ये आपसे मदद नहीं लेंगे, ये अपने आप को मदद, खुद की मदद खुद करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है और इनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हाई है, ये कुछ भी करते हैं अपने तरीके से करते हैं, माई वे इज अ हाई वे टाइप की एनर्जी में है, लेकिन इन दिनों थोड़ा परेशानी में है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके साथ रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं उनको किस तरीके से मदद करूं, रिश्ते को मदद, अगर मैं उनको मदद कर देता हूं या देती हूं तो रिश्ता सही हो जाएगा, रिश्ते को मौका देना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप, मुझे नहीं लगता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो, क्योंकि आपको शादी की नहीं पड़ी है, रिश्ते की अंजाम आपको जानना नहीं है, आपको प्यार चाहिए या फिर इनको, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये दोनों रिश्ते रखेंगे, जिनके जो शादीशुदा है वो दोनों रिश्ते रखेंगे और ये कोशिश भी कर रहा है कि मेहनत से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे और रिश्ते में आगे बढ़े, दोनों रिश्ते को लेके। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस कार्ड क्यों गिर रहे भाई, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर, वैसे बहुत सारे राशि हैं, मेजर अर्काना के बहुत सारे कार्ड हैं, 12 के 12 राशि इनमें आ जाते हैं। आप कुछ मेजर चेंजेस के बारे में सोच रहे हो सजिटेरियस, ऐसा मुझे लग रहा है,
और कुछ मेजर चेंजेस डेफिनेटली आपके लाइफ में होने भी जा रहा है, जिसके बाद आप खुद को बदला हुआ पाओगे। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये आपके तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो, अगर आप इनसे, मैंने कहा ना कि आप पहले ऐसे नहीं सोचते थे, अभी आपकी सोच में बदल हो गया है, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो पैसे से मदद कर दूंगा या कर दूंगी तो ये मेरे तरफ आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा ये सोच रहे अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो। ये आपके पर्सन कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, एट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप दुखी परेशान रहोगे, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चल रहा है। आपको कंप्लीशन चाहिए, मेहनत का पूरा पैसा आप अपने परिवार में खर्च करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना चाहते हो। पहले आप इस रिश्ते को इस तरीके से नहीं देख रहे थे, पहले आपको रिश्ते की स्टेबिलिटी पर आपका सोच नहीं था, आप पहले रिश्ते को यूं ही देख रहे थे, प्यार का रिश्ता, एडिक्शन, अट्रैक्शन, लेकिन इन दिनों आप खुद को रोक नहीं पाओगे। आपको लगेगा रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे भी परिवार चाहिए, घर चाहिए, बच्चे चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में आप जाना चाहते हो। पैसे तो आपके पास ही है, अबंडेंट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन परिवार नहीं है। इनके पास परिवार भी है, पैसे भी हैं और आपका प्यार भी है, तो कोई ना कोई एक तो शादीशुदा बंदा या बंदी है जो इस रिश्ते में है, और दूसरा जो है वो शादीशुदा नहीं है लेकिन शादी के बारे में सोच रहा है, आप चाहते हो ऐसा, या फिर आपके पर्सन, लेकिन ये आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है। ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये बहुत दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है और सेल्फ डिपेंडेंट भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपसे बातें छुपा रहा है, चीजें हाइड कर रहा है। आप खुद को रोक नहीं पाओगे, आप या तो आप पूछ ही डालोगे उनसे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या छुपा रहे हो, या फिर आप उनसे कहीं मिलने जा सकते हो, उनको फॉलो कर रहे हो, आप देख रहे हो कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो कुछ भी करके आप उनकी पूरी सच्चाई को बाहर निकालने में आप दम लगा दोगे, क्योंकि आपको अपने जो डिमांड है उसे पूरा करना है, क्योंकि आप किसी की नहीं सुनोगे, आप अपने बारे में सोचने में बिजी हो चुके हो जैसे कि दिखाई दे रहा था पहले से, और डे बाय डे और भी आप अपने आप को मतलब तैयार करोगे कि मुझे ये चाहिए, आप अपने डिमांड में अड़े रहोगे। मेजर चेंजेस मैंने अभी कहा कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने जा रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, जैसे आप पहले सोचते थे अभी आप नहीं सोचोगे। पहले आपके दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे शादी करना है, ये करना है, वो करना है, परिवार करना है, बच्चे, अभी आप सोचने लग जाओगे इन चीजों को और आप उनसे डिमांड भी करने लगोगे, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि मेजर चेंजेस होने जा रहा है इन दिनों, मैं तो देख ही रही हूं। और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी फायर साइन वालों के लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है, और ये कार्ड भी आया है
कुछ चेंजेस हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सेजिटेरियस, आप पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे राशि हैं इसमें। देख लेते हैं आउटकम। आप रेस्टलेस हो जाओगे, आपको जानना है सच्चाई। देखो क्या आया है आउटकम। फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। मैं बोल रही थी ना कि या तो सजिटेरियस आप, या तो आपके पर्सन एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते, कोई बहुत ज्यादा स्टबन हो जाएगा इस रिश्ते को लेकर। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, एस ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के साथ। आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। नॉस्टैल्जिक हो जाओगे आप दोनों के दोनों, पुरानी बातों को याद करके स्टबन हो जाएगा कोई अपने तरीके से रिश्ते को चलाना। कितना भी प्यार हो लोगों में, कितना भी प्यार हो, फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पैसे के मामले हैं, पैसे सेविंग्स करना, पैसे बचाना, कुछ चीजों को अपने दिल से लगा के रखना, कुछ चीजों को अपने कंट्रोल में करना, अपने तरीके से रिश्ते को चलाना। रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए आपको सजिटेरियस, या तो आपको या तो आपके पर्सन को। जो क्लैरिटी चाहिए होगी ना वो मिल जाएगा आपको। आपने जो अपने दिल में लगा के रखा हुआ है, आपने मुझसे ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, मुझसे झूठ बोल रहा था, तो वो बातें आपको पता चलेगी। आप या तो आपके पर्सन, बहुत ज्यादा स्टबन हो जाओगे आप लोग। आपको ये चाहिए ही चाहिए, जानना ही है मुझे, क्यों नहीं बता रहे हो, क्या हो रहा है। ये रिकॉन्सिलेशन जब होगा, पहले थोड़ी लड़ाई झगड़े होंगे, पहले लड़ाई झगड़े होंगे, फिर दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होगा। कोई अपने दिमाग से सोच सोच के रिप्लाई करेगा, हाँ ये हुआ, वो हुआ, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, इसलिए ये हुआ। लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसी हफ्ते आपके साथ शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, अब जिनके साथ शादी नहीं है वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको एश्योरेंस जरूर मिल सकता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस बात का आपको एहसास होगा। क्योंकि कोई एक है अपने तरीके से बहुत ज्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन को इसमें लाएंगे। और बेकार की बात जो पहले होता था अभी नहीं होगा, अभी प्रैक्टिकल चीजें होंगी, क्लैरिटी होंगी रिश्ते में। जो आप जानना चाहते हो, जो आपको करना है, जो जानना है, वो सारी चीजें आप जान के रहोगे। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अभी आप नहीं करोगे, ना आप करोगे, ना आपके पर्सन। क्योंकि कोई एक तो है जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन, लेकिन दूसरा बंदा या बंदी जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उनको कोई प्रॉमिस वगैरह चाहिए, उनको ये लगेगा भाई मुझसे प्रॉमिस तो करो आप, कि आप मुझसे ये, मुझे मेरे साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी दोगे, ये या मेरे साथ रहोगे, तो कुछ इमोशनल चीजें आएगी, अच्छी बातें होंगे, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। और जो कंट्रोल इशू था वो बढ़ चढ़ के बोलेगा कि करना ही पड़ेगा आपको मेरे लिए, ये करना ही पड़ेगा, आपने मुझसे झूठ कहा, ये कहा, वो कहा। धीरे धीरे इन चीजों को आप लोग सॉल्व भी करोगे और रिश्ते में फिर प्यार आएगा, डेफिनेटली प्यार आएगा, ये प्यार का रिश्ता ही तो है।
देख लेते हैं अभी यूनिवर्स साहब से क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। भैया ईगो को छोड़िए, ईगो से कुछ नहीं होता है। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो, दोनों के दोनों आप अपने अपने तरीके से कंप्लीशन चाहते हो, ये अपने तरीके से कंप्लीशन चाहते हैं। तो कंप्लीशन चाहिए तो भाई ईगो को तो छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप जानबूझ के किसी के साथ ऐसे रिश्ते में हो तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना तो पड़ेगा कि हाँ भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आया है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ईगो में नहीं रहना है, ईगो को छोड़ना है। मैंने कहा ना कोई एक है जो माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है इस रिश्ते में, माई वे द हाई वे टाइप की सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि इसको छोड़ना पड़ेगा। सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आज ही आप अपने पर्सन से कहोगे कि शादी कर लीजिए, ये वो नहीं होगा, लेकिन अगर आप लगे रहते हो तो एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। ऐसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और हमेशा अपने मनमर्जी से मुझे ये चाहिए वो चाहिए अभी करना है ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सोच में ठहराव लाइए, समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। जो कुछ आप सोच रहे हो, जो आपको चाहिए, जो आपको लेना होगा, उसके लिए थोड़ी सी आप में पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।